लेखा शास्त्र कक्षा 11वीं क्लास में आपका स्वागत है विद्यार्थियों। लेखांकन के सिद्धांत, इसके पहले आपने लेखांकन की अवधारणाएं पढ़ी, आज अपन पढ़ेंगे लेखांकन सिद्धांत का आशय। तो लेखांकन के सामान्य नियमों को ही लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। लेखांकन के जो सामान्य नियम होते हैं उनको ही क्या कहते हैं, लेखांकन सिद्धांत कहते हैं। वास्तव में ये नियम दिशा निर्देश का एक कार्य करते हैं, जिन्हें सौदा का लेखा करने व वित्तीय विवरण करने में ध्यान में रखा जाता है। वास्तव में ये नियम दिशा निर्देश निर्देशांक का कार्य करते हैं और सौदा का लेखा करने में क्या करते, स्थिति विवरण करने में क्या करते हैं, समय समय पर ध्यान में रखा जाता है। रॉबर्ट एन एंथोनी के शब्दों में लेखांकन विधि से नियमों और प्रथाओं का समानता सिद्धांत कहा जाता है। रॉबर्ट एन एंथोनी ने अपने शब्दों में लेखांकन सिद्धांत की एक परिभाषा दी है, जिसमें लिखा है कि लेखा विधि से नियमों और प्रथाओं का समानता सिद्धांत कहा जाता है। लेखाकर्म की प्रथाओं व अवधारणाओं लेखांकन सिद्धांत की आधारशिला होती है। तो जो लेखाकर्म के प्रथाओं में और अवधारणाएं क्या होती हैं, जो आपने अवधारणाएं पढ़ी थी वो क्या होती है, लेखांकन सिद्धांत की आधारशिला होती है। लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत, तो आपको वाणिज्य के विकास में लेखांकन सिद्धांत विकसित हुए। जो आपको बता दूं, कला मतलब जो लेखांकन है वह वाणिज्य के विकास के साथ साथ लेखांकन का क्या हुआ, सिद्धांत विकसित हुआ। इसे अनुभव तर्कों का प्रयोग अथवा जो तर्कों के जो प्रभाव मतलब तर्क तथा प्रयोग के आधार पर लेखांकन का क्या किया जाता है, उन्नत लेखा विधि को उन्नत विधि से इसको क्या करते हैं, प्रयोग विधियों का प्रयोग होने लगा। लेखाकर्म में अधिकाधिक व्यवहारिकता और क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए लेखापालकों ने मतलब जो लेखापाल हैं उन्होंने कुछ सिद्धांतों को ज्ञात आवश्यकता की। तो लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत लेखांकन के क्षेत्र में व्यवसायिक लेन देन, जो लेखांकन का क्षेत्र है लेखांकन में जो व्यवसायिक लेन देनों का लेखांकन करने के लिए कुछ सिद्धांत विकसित किए गए, जो लेखाकारों का मार्गदर्शन करते हैं और आधारभूत सिद्धांत उसके क्या है, निम्नलिखित है। तो जो लेखांकन के सिद्धांत और आधारभूत जो सिद्धांत है वह पहला उसमें है द्विपक्षीय सिद्धांत, जांच करने योग्य प्रमाण एवं सिद्धांत, ऐतिहासिक लागत सिद्धांत, आगम निर्धारण सिद्धांत, मिलान सिद्धांत, पूर्णतः प्रकटीकरण का सिद्धांत। तो ये जो लेखांकन के सिद्धांत हैं कितने हैं, 6 हैं। पहला है द्विपक्षीय सिद्धांत। द्विपक्षीय सिद्धांत मतलब दो भागों में इसको, प्रत्येक सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन को दो पक्ष या दो पहलू होते हैं। द्विपक्षी से इसका मतलब हो गया दो पक्ष में, इसके प्रत्येक के अनुसार प्रत्येक व्यवसायिक लेन देन में दो पक्ष या दो पहलू होते हैं। प्रत्येक पक्ष में क्या होता है, लेन देन जो क्या करता है, प्रभावित करता है। प्रभावित दो पक्षों को खाते में, एक खाते में डेबिट और दूसरे खाते में क्रेडिट किया जाता है। उसे दूसरे खाते को क्या कहते हैं, डेबिट, मतलब जो दो पक्ष होगा उसको क्रेडिट या डेबिट, लेनदार या देनदार। फिर दूसरा हो गया जांच करने योग्य, जो बात मतलब जो वाह प्रमाण होते हैं उनको सिद्धांत के लिए, तो उनकी जांच के तहत मान लीजिए आपको द्विपक्षीय सिद्धांत में, जैसा कि बता दूं मैं आपको, जैसे आपने 5,000 रुपये का नगद व्यापार क्या किया, व्यवसाय प्रारंभ किया, तो इस व्यवसाय का एक पक्ष रोकड़ और दूसरा पक्ष क्या होगा आपका, रोकड़ लगाने का प्रशांत का होगा। मतलब प्रशांत ने एक व्यवसाय शुरू किया, तो एक पक्ष में आप व्यवसाय शुरू करने के लिए तो प्रशांत का मतलब रोकड़ खाते में आ जाए।
पहला पॉइंट हो गया द्विपक्षीय सिद्धांत। फिर उसके बाद होगा आपका जांच करने योग्य वाह प्रमाणक का सिद्धांत। जांच करने के लिए जो होते हैं योग्य वाह प्रमाणक का सिद्धांत, ये दूसरा आपका पॉइंट हो गया। तो इस सिद्धांत के अनुसार जो जांच करने योग्य वाह इस सिद्धांत के अनुसार हिसाब की वाह वाहियां जो होती हैं उसको दर्ज करने के लिए व्यवसायिक लेन देन का वाह प्रमाण और प्रमाणित होना चाहिए। अर्थात जो जो मतलब जो लेन देन होते हैं लेन देन के लिए लेखांकन लिखित प्रमापों के आधार पर होता है। जो जांच किसकी होगी जो लिखित होगा है ना, तो जो प्रमाप होते हैं जो लेन देन के जो लिखित प्रमाप होते हैं उन्हीं के आधार पर किया जाना चाहिए। ये प्रमाप कैसे होते हैं, लिखित होते हैं। और जैसे कि लिखित प्रमापों में आ जाएगा आपका कैश मेमो, बीजक, प्रमाण पत्र और अनुभव, अनुबंध पत्र, प्राय बिल पत्र, देय बिल पत्र, ये क्या है लिखित प्रमापों के आधार पर आते हैं। आपके जो लिखित कैश मेमो हो गए और कैश मेमो के साथ बीजक हो गया आपका, प्रमापक पत्र हो गया, बिल पत्र हो गए आपके और देवी पत्र हो गए, ये सब क्या होते हैं लिखित प्रमापों के आधार पर इसकी क्या की जाती है इसके सत्यता की जांच की जाती है। जो मतलब जो आपके लेखे किए गए हैं लेखों के अंतर्गत आपके मान लीजिए कैश मेमो हो गया, बीजक हो गया, ये सब कैसे होते हैं प्रमाप प्रमाणित होने चाहिए। जो प्रमाप होते हैं वो कैसे होते हैं प्रमाणित होने चाहिए। निरपेक्षता सिद्धांत क्या करता है ये निर्देशित करता है। लेखांकन वस्तुएं जो होती हैं सूचनाएं होती हैं प्रबंध लेखापाल में व्यक्तिगत पक्षपात से प्रभावित नहीं होनी चाहिए। मतलब जो प्रमाप बनते हैं वह व्यक्तिगत नहीं व्यक्तिगत पक्षपात से क्या नहीं होने चाहिए मतलब उनको प्रभावित नहीं होने चाहिए। और प्रत्येक लेखावधि एक जैसी लेखांकन विधि का पालन किया जाना क्या होता है आवश्यक होता है। तो ये दूसरा होता है हो गया जांच करने योग्य वाह प्रमाणक। फिर तीसरा है ऐतिहासिक लागत सिद्धांत। तीसरा ऐतिहासिक लागत सिद्धांत, तो जो ऐतिहासिक यह सिद्धांत मान्यताओं पर क्या होता है आधारित होता है। और व्यवसाय हेतु क्रय की गई संपत्ति का लेखा आने वाले लागत मूल्य के आधार पर किया जाना चाहिए। जो आपने संपत्ति खरीदी वह क्या हो गई ऐतिहासिक हो गई। तो व्यवसाय के लिए जो आपने संपत्ति क्रय की वह लेखा आने पर आने वाले वर्षों के लागत मूल्य पर क्या होती है आधारित होनी चाहिए। और संपत्ति का सदैव लागत मूल्य दर्शाया जाए अपुता हास का आयोजन घटे। तब कोई भी संपत्ति ली अगर उस पर हास है तो उसको क्या करेंगे अपन को संपत्ति से अपन उस हास को क्या कर देंगे घटाने पर उसका मूल्य उस मूल्य का क्या किया जाएगा लेखांकन किया जाएगा। यदि भूतकाल में खरीदी गई संपत्ति है तो मूल्य में वृद्धि या कमी होने पर लेखांकन मूल्य पर मूल्य नहीं किया जाएगा। अगर आपने मान लीजिए कोई वस्तु मतलब भूतकाल में पहले से कोई वस्तु खरीदी है कोई जमीन खरीदी है संपत्ति खरीदी है तो उसका जो लेखांकन है बड़े मूल्य पर या कम मूल्य पर नहीं किया जाता। इसे क्या करेंगे स्टॉक या विनियोग में जैसे संपत्ति का लेखा परिवर्तित मूल्य पर किया जाता है उस आधार पर इसको क्या करेंगे उसका जो स्टॉक या विनियोग में जैसे संपत्तियों का अपन लेखा करते हैं उस मूल्य पर इसको किया जाए। फिर है आगम निर्धारण सिद्धांत। आगम निर्धारण चौथा है आगम निर्धारण सिद्धांत। तो यह सिद्धांत व्यवसायिक क्रियाओं के कारण जिन मदों में पूंजी में क्या होती है वृद्धि होती है। आप मतलब कोई भी व्यवसायिक क्रिया करेंगे तो आप पहले आप उस मदों में पूंजी मतलब जो स्वामी है पूंजी का क्या करेगा पूंजी में वृद्धि होती है उसे क्या कहते हैं आगम कहते हैं। अगर हमने मान लीजिए हमने एक व्यवसाय शुरू किया 10,000 रुपए से तो उसमें क्या करेगा जो तो यह सिद्धांत
सिद्धांत जो है वो आगम निर्धारण का जो सिद्धांत है वह व्यवसाय में वस्तुओं और भौतिक जो वस्तुओं का विक्रय करने पर आगम प्राप्ति, जो अपन वस्तुओं का क्या करते हैं, विक्रय करते हैं, जिससे अपन को आय मतलब मिलती है, आगम प्राप्त होता है, उसे आगम अवधि में मानी जाएगी और सेवाओं दृष्टि से आगम मानी जाती है। अवधि में सेवाएं दी और जो भौतिक वस्तु होती है उसके विषय में आगम प्राप्ति का जो समय होता है वह कैसा होता है, निर्धारित होता है। इसे निर्धारित करने में क्या होती है, कठिनाई होती है, क्योंकि वस्तुओं के क्रय करने के आदेश देने पर इसका जो विक्रय होता है, जो विक्रय होता है इसके अनुबंध के आधार पर क्या होते हैं, हस्ताक्षर करने से तिथि एवं वस्तु को, जब मतलब जिस तिथि में आपने वस्तु प्राप्त की, अपन ने किसी पर कोई वस्तु का उत्पादन किया और जिस तिथि पर दिया तो देने की तिथि भी भिन्न होती है। फिर आगम की पहचान का सिद्धांत, ये आगम सिद्धांत का सिद्धांत काय से प्राप्त है, विक्रय से प्राप्त हुआ, प्राप्त होने वाली राशि सिद्धांतों को क्या करता है, स्पष्ट करता है और इससे इस संबंध में लेखाविद तीन आधारों पर इस सिद्धांत को क्या करते हैं, इसका आधार पर चर्चा हुई। पहला है विक्रय के आधार पर, दूसरा है रोकड़ के आधार पर और तीसरा है उत्पादन के आधार पर। तो विक्रय के आधार पर पूर्ण माना जाता है, क्रेता ने माल के स्वामी, मतलब जो क्रेता है उसने माल के स्वामी का अधिकार मतलब जो क्या किया, उसने हस्तांतरित कर लिया और माल का मूल्य और भुगतान की प्राप्ति को क्या करता है, प्राप्त कर ली। तो इसके अनुसार माल का हस्तांतरण, जो हस्तांतरण है वह कैसे हुआ, बिक्री जो विक्रय नहीं है, यह केवल क्या है, रकम का भुगतान है। फिर है दूसरा है इसका रोकड़ का आधार, इसके अंतर्गत आगम उसे अर्जित प्राप्त जो मतलब जो अर्जित प्राप्त है उसे समझा जाएगा, उसे वास्तविक भुगतान प्राप्त होगा, उस दशा में भुगतान की जो भुगतान की सब जो होती है क्या कहते हैं उसको किराया, जो भुगतान का किराया क्रय प्रणाली और जो किस्त होती है, किस्त भुगतान की प्रणाली की दशा से अपनाया जाता है और वह क्या होता है, विक्रय माल के उस भाग को पूर्ण माना जाता है। फिर उत्पादन के आधार पर, तो आगम निर्धारण कार्य के आधार पर जो उत्पादन के इस सिद्धांत के अनुसार कार्य जितना भाग पूर्ण है बाजार के बराबर अर्जित माना जाता है और इसे पूर्णतः ठेकेदार और बहुमंजिला निर्माण में सिद्धांत का प्रयुक्त किया जाता है। फिर है मिलान सिद्धांत, जो आप कोई लेखा करोगे तो उसके लिए क्या करेंगे, सिद्धांत कैसा है, यह सिद्धांत स्पष्ट है, जो मिलान का सिद्धांत है वह स्पष्ट है। इसे व्यवसाय से अर्जित आगम और व्यय संबंधी जो आगम होते हैं, व्यय होते हैं, इनका मिलान क्या होता है, सर्वप्रथम एक निश्चित अवधि में क्या जो निश्चित अवधि में इसको क्या करते हैं, आगम निर्धारित किया जाता है और उसके बाद इस आगम को प्राप्त करने के लिए व्ययों के निर्धारण में, अर्थात जो आगम व्ययों मतलब जो आय हुई आगम हुई उनके व्ययों को मिलाकर, व्ययों के आय और व्यय को जो मिलान करके निम्न के सिद्धांतों के आधार पर उनको समय समय पर बातों को ध्यान रखकर मिलान, मतलब जब आप लाभ हानि खाता बनाओगे तो उसका भी मिलान, जब आप कोई लेखे करोगे तो उसमें स्पष्ट है कि आपको व्यवसाय में अर्जित आगम और व्यय संबंधित जो भी आगम या व्यय का मिलान करने में सर्वप्रथम निश्चित अवधि में आगम को निर्धारित करने चाहिए। तो सबसे पहले जो है लाभ हानि खाते में आगम की मत आय पक्ष में लिखा जाता है, जो लाभ हानि खाता है उसके जो आगम होते हैं आगम जो आय प्राप्त होती है उसे आय पक्ष में लिखा जाता है और उस आगम के करने के लिए व्यय में जो व्यक्त उसको क्या करेंगे, अपन व्यय पक्ष में लिखेंगे, जो अपन ने व्यय किया उनको व्यय पक्ष में, भले ही व्यय का भुगतान किया जाना हो या भुगतान ना किया हो, सब काय में आएंगे, आपके आदत व्यय में आएंगे। फिर इसका भुगतान करने की राशि कुछ आगामी वर्ष, मतलब जो मान लीजिए आप कोई व्यवसाय शुरू करोगे तो पूरा भुगतान तो कर नहीं सकते,
है ना। तो वह राशि कुछ भाग आगामी आगम का सर्जन करने, मतलब जो आगामी वर्ष होता है उसको बनाने के लिए या सर्जन करने के लिए ऐसे व्यय को आगामी वर्ष का व्यय माना जाना चाहिए और जो चालू वर्ष में चिट्ठे में संपत्ति पक्ष में दर्शाना चाहिए। वर्ष के अंत में जो माल बिक जाता है ऐसे में संपूर्ण लागत को आगामी वर्ष की लागत मानकर आगामी वर्ष के हिसाब में क्या किया जाता है, शामिल किया जाता है। फिर आगम को ऐसी कोई मद जिसमें माल सेवा और हस्तांतरण आगामी वर्ष में किया है उस आगम को, इस आगम को चालू वर्ष में आगम की मतलब जो चालू वर्ष होता है उसे आगम नहीं मानना चाहिए बल्कि इसे दायित्वों में क्या करना चाहिए, सम्मिलित करना चाहिए। फिर है पूर्ण प्रगटीकरण का सिद्धांत। यह पूर्ण प्रगटीकरण का जो सिद्धांत है इससे आशय लेखांकन संबंधी आवश्यक वस्तुओं तथ्यों में क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं और स्पष्ट किया जाता है कि लेखांकन करते समय वित्तीय मामलों संबंधी जितनी भी सूचनाएं पूर्ण रूप से प्रकट करनी चाहिए। सूचनाओं को प्रगटीकरण करने के लिए वित्तीय विवरण का प्रयोग किया जाता है जिसमें स्वामी विनियोजक वर्तमान व भावी लेनदारों का आवश्यकता से संतुष्ट किया जा सकता है। यह सिद्धांत इतना महत्वपूर्ण है जो कंपनी अधिनियम किसी कंपनी के वित्तीय विवरणों को सूचनाओं के पूर्ण प्रगटीकरण के लिए किए गए और इसमें कंपनी अपने अंतिम खाते को निर्धारित जो कंपनी अपने अंतिम खाते बनाती है उसको निर्धारित प्रारूप में क्या करती है, तैयार करती है तथा सभी संभव दायित्वों का उल्लेख एवं अन्य जानकारी सही रूप से क्या करती है, प्रस्तुत करती है। तो पूर्ण प्रगटीकरण मतलब उसको पूर्ण रूप से क्या करना, पूर्ण रूप से आवश्यक सूचनाओं तथ्यों को प्रस्तुत करना। यह सिद्धांत के अनुसार के हिसाब से पूर्ण मतलब जो इसकी जानकारी सिद्धांत है यह पूर्णतः ईमानदारी रूप से क्या करना चाहिए, तैयार किया जाना चाहिए और उसमें सभी महत्वपूर्ण सूचनाओं का सही क्या करना चाहिए, उल्लेख करना होना चाहिए। तो आज आपने लेखांकन के क्या पढ़े, लेखांकन से आशय पढ़ा और लेखांकन के आधारभूत सिद्धांत पढ़े जो 6 हैं। पहला है द्विपक्षीय सिद्धांत, दूसरा है जांच करने योग्य वाह प्रमाण सिद्धांत, तीसरा है ऐतिहासिक लागत का सिद्धांत, चौथा है आगम निर्धारण करने का सिद्धांत, मिलान का सिद्धांत और पाँचवा है पूर्ण प्रगटीकरण का सिद्धांत। तो ये आपका, अब अपन कल अगले चैप्टर में पढ़ेंगे लेखांकन की विशेषताएं। धन्यवाद विद्यार्थी।